स्वागत है आपका बी न्यूज नेशन में। मैं हूं आबिद हुसैन शेख। सिद्धेश्वर मंदिर यात्रा उत्सव में मुसलमानों को नहीं करने दिया जाए व्यापार, श्री राम सेना की मांग। राज्य भर में चला हुआ धर्म दंगल अब सूफी संतों के तारीखी शहर बीजापुर में आ चुका है। बीजापुर शहर में हर साल होने वाले सिद्धेश्वर मंदिर के यात्रा उत्सव में मुसलमानों को इस बार व्यापार न करने देने की मांग करते हुए नफरती प्रमोद मुतालिक के श्री राम सेना संगठन के कार्यकर्ताओं की और से सिद्धेश्वर संस्था के जिम्मेदार बीजेपी एमएलए बसनगौड़ा पाटिल यत्नाल को मेमोरेंडम दिया गया है कि इस बार मुसलमानों को व्यापार न करने दिया जाए। यात्रा में एमएलए बसनगौड़ा पाटिल यत्नाल तो पहले ही कह चुके हैं कि टोपी और भुरके वालों को अपने पास न आने की बात। क्या एमएलए यत्नाल श्री राम सेना कार्यकर्ताओं की बात पर अमल करेंगे? ಸಮಾಜ ಶ್ರೀ ಬಸವಗೌಡ ಪಾಟೀಲ್ ಯತ್ನಾಳ್ ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ಮನವಿಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತೆ. ವಿಜಯಪುರ ಶ್ರೀ ಸಿದ್ದೇಶ್ವರ ಜಾತ್ರೆ ಅತ್ಯಂತ ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕದ ಸಿದ್ದೇಶ್ವರ ಸಂಸ್ಥೆಯವರು, ನಾವು ಈ ವರ್ಷ ಒಂದು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಒಂದು ಮನವಿಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಈ ಸಂಕ್ರಮಣದ ಜಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಇಡೀ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಈ ದೇಶದ ಕಾನೂನಿಗೆ ಗೌರವ ಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಈ ನೆಲದ ಧಾರ್ಮಿಕ ಭಾವನೆಗಳಿಗೆ ಧಕ್ಕೆಯನ್ನ ಪದೇ ಪದೇ ರೂಪ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಪೂಜೆ ಗೋಪಾಲಿಯನ್ನ ಒಂದು ತಿಂತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮ ಹಿಂದೂ ಸಹೋದರಿಯರ ಲೌಕ ಮುಖಾಂತರ ತುಂಡು ತುಂಡು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇಂಥ ತ್ಯಾಗಗಳೊಂದಿಗೆ ನಾವೇಕೆ ವ್ಯಾಪಾರ ನಾವೇಕೆ ಅವರಿಗೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಡಬೇಕು ಅನ್ನುವ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಈಗ ರಾಜ್ಯದ ಹಲವಾರು ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಉತ್ಸವಗಳಲ್ಲಿ ಕೈವಾಣ ಹಾಕಬೇಕು ಅಂತ ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ವಿನಂತಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ. और खबरों के लिए देखते रहिए बी न्यूज नेशन। इंग्लिश बोलना और सीखना अब हो गया है आसान, देर किस बात की। आज ही एस्पायर स्प्रिट स्पोकन इंग्लिश क्लासेस के साथ जुड़े। आज के डिजिटल और आधुनिक दुनिया में इंग्लिश सिर्फ एक भाषा नहीं बल्कि जरूरत है आपकी। घर बैठे नहीं, हमारे साथ फ्रेंडली एटमोस्फियर, फुली एक्सपीरियंस्ड ट्रेनर्स के मार्गदर्शन में पराठेदार इंग्लिश बोलकर अपना मकाम हासिल करें। अधिक जानकारी के लिए कॉन्टेक्ट करें 9945877464886122777.